वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 5 कंफर्म थिंग्स इन अपकमिंग हुंडई एल्कॉर फेसलिफ्ट। जल्द एल्कॉर का अगले साल 2024 में फेसलिफ्ट आने वाला है, एंड इस गाड़ी में आपको कौन सी चेंजेस देखने को मिलेगी उसके बारे में आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। मतलब कि अगर आपने मेरी ये वीडियो बिना स्किप करे हुए देख ली, आप इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल में जान पाएंगे। पर उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे एकदम न्यू है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे ही कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपने वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट कंफर्म थिंग की बात करें वो है इस गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स। बेसिकली इस गाड़ी में अब आपको टोटली न्यू लुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको फ्रंट से एकदम न्यू स्टाइल की ग्रिल विथ फुल LED हेडलैम्प्स, DRLs एंड आपको फॉग लाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि एल्कॉर में आपको इस बार टोटली न्यू लुक प्रोवाइड की जाएगी फ्रंट से विद फ्रंट कैमरा। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको जो पहला चेंज देखने को मिलेगा वो है न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स। आपको न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ आपको ओवरऑल डोर्स पुराने जैसे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि शेप पुराने जैसी ही होने वाली है। रियर प्रोफाइल में आपको इस बार इस गाड़ी में फुल LED कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, यानी कि बीच में से कनेक्टेड जो आज की रेट में ट्रेंडिंग है। उसके साथ आपको रियर वाइपर, रियर कैमरा जैसे फीचर्स पुराने ही देखने को मिलेंगे। बाकी आपको छत पे पहले की तरह बड़ा सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा विद शार्कफिन एंटीना। सो ये बात कर ली हमने इस गाड़ी के फर्स्ट कन्फर्म थिंग की। सेकेंड कन्फर्म थिंग की बात करें वो इस गाड़ी के इंटीरियर से रिलेटेड है। आपको इस गाड़ी में ओवरऑल डैशबोर्ड पुराने जैसे ही देखने को मिलेगा, पर इस बार आपको इस गाड़ी में अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा विद मोर इन्फॉर्मेशन विद बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इंक्लूडिंग 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि अपग्रेडेड होने वाला है। उसके साथ आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक AC, रियर AC इवेंट्स, वायरलेस चार्जर, ऑडमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर इलेक्ट्रिक सीट जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी सीटिंग कैपेसिटी एंड ओवरऑल सीट्स एंड कंफर्ट आपको पुराने जैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आपको एल्कॉर में देखने को मिलता है पहले वाली। थर्ड कंफर्म थिंग की बात करें वो इस गाड़ी के सेफ्टी से रिलेटेड है। आपको इस गाड़ी में पहले की तरह 6 एयरबैग्स, ABS, ABD, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे ढेर सारे एडवांस फीचर्स तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पर उसके साथ आपको इस गाड़ी में अडास के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपको लेवल 2 के अडास के फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको वर्ना 2023 में प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड 2024 में हुंडई क्रेटा का भी फेसलिफ्ट आएगा, उसमें भी आपको अडास देखने को मिल जाएगा। एंड आज की रेट में तो आपको वेन्यू में भी लेवल 1 का अडास प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ कन्फर्म थिंग की बात करें वो इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन से रिलेटेड है। इस गाड़ी में एक तो आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी पावर है 114 BHP @144 nm ऑफ टॉर्क। उसके साथ 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर है अराउंड 158 BHP @253 nm ऑफ टॉर्क। उसके साथ आपको इस गाड़ी में डीजल इंजन अब शायद नहीं देखने को मिले। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंट में गवर्नमेंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग पॉल्यूशन, सो सारी कंपनीज अपने डीजल इंजन बंद कर रही हैं। एंड रिसेंट में आपको वरना में भी डीजल इंजन नहीं देखने को मिलता 2023 मॉडल में। सो ये भी आप 80% कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको डीजल इंजन नहीं देखने को मिले, सेम इंजन ऑप्शंस देखने को मिले जो आपको वरना 2023 में प्रोवाइड किए जाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट कंफर्म थिंग की बात करें वो है इस गाड़ी के प्राइस एंड लॉन्च डेट से रिलेटेड। ये गाड़ी 2023 की एंडिंग या फिर आप कह सकते हैं मिड से कई बारी देखी जा चुकी है इंडियन रोड्स पे। इसका मतलब यही है कि गाड़ी जल्द लॉन्च होने वाली है, पर मेरे हिसाब से पहले हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट आएगा एंड उसके बाद ही आपको एल्कॉर का फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा। हुंडई क्रेटा का आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 2024 की स्टार्टिंग में आ जाएगा, एंड इस गाड़ी का यानी कि एल्कॉर का 2024 के मिड से पहले ही आ जाएगा या मिड तक आ जाएगा। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट अपकमिंग हुंडई एल्कॉर फेसलिफ्ट। कैसी लगी आपको ये गाड़ी एंड कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बता देना। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई या फिर वीडियो को लाइक एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इस वीडियो को इतना रखते हैं, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।